ये है दिल्ली दर्पण। किसान आंदोलन पर रोक के बावजूद भारी संख्या में दिल्ली में बाहर से आए किसानों के आने की आशंका को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की टीम 24 घंटे से अलर्ट है। इसके साथ अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की भी तैनाती कर दी गई। लोकल पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद रही। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर हम हैं। टीकरी बॉर्डर है, यहां से हरियाणा का जो बहादुरगढ़ है और यहां पे दिल्ली है और काफ़ी फेमस ये बॉर्डर है, हरियाणा और दिल्ली को ये मिलाता है। दिल्ली और हरियाणा को मिलाने वाले सभी बॉर्डरों पर इसी तरीके से पुलिस आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस और कई सारी बटालियंस यहाँ मौजूद है भारी संख्या में, क्योंकि आज जो किसान है, हरियाणा से किसान है, पंजाब से किसान, 26 तारीख को आंदोलन के रूप में दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। ऐसे में पुलिस के आगे एक बड़ी चुनौती ये है कि उनको इस बॉर्डर पर रोकना। ये तस्वीर आप हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के टीकरी बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ CRPF के जवान तैनात हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं छुपा कर कोई झंडे पोस्टर तो नहीं ले जाए जा रहे। ड्रोन कैमरे से भी यहां पर जो तैनाती की जा रही है, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर हैं, BSF की टुकड़ी यहां पर है, CRPF है, और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह की मूवमेंट यहां पर होती है, किसानों की मूवमेंट अगर यहां पर होती है तो दूर से ही उसका अंदाज़ा लगाया जा सके और यहां पर जो सख्ती है उसको बढ़ाया जा सके, किसी तरीके से उसको रोका जा सके। ऐसे ड्रोन सभी बॉर्डर पर, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हरियाणा से लगते हैं, सभी बॉर्डर पर इस तरीके से ड्रोन से जो है निगरानी यहां पर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये सिक्योरिटी 28 नवंबर तक के लिए लगाई गई है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। We'll be right back.